तो और मेरे भाई क्या हाल चाल यार, आ चुके एक और न्यू वीडियो लेके। और आज की इस वीडियो में भाई आपको बताया जाएगा कि यार आप टाइटल कैसे ले सकते हो, जो कि अपना वेपन मास्टर का टाइटल होता है। और भाई वेपन मास्टर का टाइटल मैंने लिया स्क्वाड में, आप पहले स्क्रीनशॉट देख लो, आपको भी अला टाइटल मिल सकता है। और मैं आपको बताऊंगा कि यार मैंने स्क्वाड के अंदर अला टाइटल कैसे लिया और मेरी स्क्वाड ने मेरे को कितना सपोर्ट किया, और साथ ही साथ भाई मेरे को टाइटल लेने में क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी, और साथ ही मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको कैसे लेना है। तो ठीक है, वीडियो को सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेपन मास्टर का टाइटल लेने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से जगह पर मतलब वेपन मास्टर का टाइटल लेना चाहते हो। तो आप या तो स्क्वाड में ले लो, या सोलो में ले लो, या डो में, ये तीन ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो भाई आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस में वेपन मास्टर का टाइटल लेना चाहते हो। और अगर आप भाई उस मतलब कि आप सोलो में लेना चाहते हो, तो भाई आपकी लीग होनी चाहिए प्लैटिनम 5 से ऊपर। अब अगर आप डुओ में लेना चाहते हो तो भी प्लैटिनम 5 होनी चाहिए, और स्क्वाड में लेना चाहते हो तो भी प्लैटिनम 5 होनी चाहिए। तो इसलिए भाई अपनी लीग को प्लैटिनम 5 कर लेना, जिसमें भी आप टाइटल लेना चाहते हो। तो ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यार अगर आप बाई चांस आप सोलो में करना चाहते हो, तो भाई सोलो के अंदर ना आपको एक ऐसी जगह उतरना है जहाँ पर बॉट ज़्यादा स्पॉन हो और बंदे कम स्पॉन हो। भाई देखो, मैं सोलो में किया नहीं है, लेकिन पहले मैं सोलो में करने की कोशिश की थी, लाइक 15-20 मैचेस खेले मैंने, लेकिन भाई मेरे को वेपन मास्टर का टाइटल नहीं मिला, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर 8-9 दिन बाद भाई देखो ऑस्प्रे, जो अपना ऑस्प्रे गेमिंग है भाई, वो और उसका एक दोस्त था, वो कह रहे थे चलो भाई टाइटल लेते हैं। तो हमने भाई मुश्किल से 9 मैच के अंदर 3 लोगों को टाइटल दिला दिया। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस को दिलाया। भाई एक तो हाइपोसर का दोस्त था, दूसरा मेरे को टाइटल मिल गया, तीसरा अपने फेक स्नाइपर वाईटी को टाइटल मिल गया। अब आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं हमारे पास, जब चारों के पास टाइटल था। यहाँ पर तुम देख ही तो सेफ्टी मतलब मैं हूँ, योर ड्रीम्स फिक्स नाइपर वाईटी है, और ये भाई हाइपोसर का दोस्त, और ये हाइपोसर आपको दिख ही गया होगा। भाई हम चारों के पास वेपन मास्टर का टाइटल है, और भाई हमने ये टाइटल कैसे लिया वो भी आपको बताया जाएगा, और भाई हमारी टीम ने हमारे सपोर्ट में क्या क्या किया तो सब आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइटल लेने के लिए पता होना चाहिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि टाइटल वेपन मास्टर का टाइटल लेने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपको एक एआर गन से बंदा मारना है, एक एसएमजी से मारना है, एक शॉट गन से मारना है, एक स्नाइपर से मारना है, और एक नेट से मारना है, एक कार से क्रश करके मारना है, और कार से क्रश मतलब करना मतलब गाड़ी से ठोक के मारना है। और भाई देखो, आपको जिस जिस चीज़ से मारना है ना, तो भाई आपको उस बंदे को नॉक करने का फिनिश भी उसी से करना पड़ेगा। अब जो नेट से मारना है, आप नेट की जगह मॉली से भी मार सकते हो। तो भाई मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहली चीज़ यार आप ना एक ऐसी जगह उतरो जहाँ पर बॉट ज़्यादा स्पॉन हो, जहाँ तुम्हें लगता है कि बॉट ज़्यादा स्पॉन होंगे वहाँ पर, तो आप वहीं पर उतरो। और वहाँ उतरने के बाद भाई तुम लोग गन लूटो, और गन लूटने के बाद सबसे पहले यार आपको ना अगर पहला बॉट दिखता है तो यार आप उसको नेट से मारो, फिर अगर आपको दूसरा बॉट दिखता है तो आप उसको गाड़ी से ठोक के मारो, और अगर आपको तीसरा बॉट दिखता है ना, तो भाई कहीं से भी एक स्नाइपर ढूंढ लो। क्योंकि भाई देखो, आप बाद में एसएमजी एआर और शॉटगन से मारना आसान रहेगा, लेकिन भाई जो स्नाइपर होती है और जो गाड़ी से ठोक के मारना होता है, नेट से मारना होता है, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपको इन तीन चीज़ों को सबसे पहले करने की कोशिश करनी है। और बाकी भाई देखो, जब आपको बॉट दिखते रहेंगे तो आप आसानी से उनको मार भी दोगे। तो आपको ऐसी जगह मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर आपको यार मतलब ये तीनों चीज़ें मिलने के चांस होते हैं। देखो, मैं सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक नेट चाहिए होता है और एक गाड़ी चाहिए होती है। तो भाई आपको नेट और गाड़ी वाली जगह बता देता हूँ जहाँ पर बॉट स्पॉन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहली जगह अपनी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, और सेकेंड जगह अपनी नॉर्थ हिल, थर्ड जगह अपनी रेंज, फोर्थ जगह अपनी जंकयार्ड आप जा सकते हो लेकिन वहाँ पर कार नहीं होती, और फिफ्थ जगह जो कि अपनी लास्ट जगह है वो है भाई अपनी फैक्ट्री। तो भाई ये सब करके यार आप वेपन मास्टर का टाइटल बहुत ही इजी तरीके से ले सकते हो। अब भाई मेरी टीम में मतलब हाइपोजर रहता और फेक स्नाइपर वाईटी था, और भी दोस्त थे, इस वजह से भाई वो बस मेरे को गने वने सब ढूंढ के दे ही रहे थे। उनको स्नाइपर जो भी गन मिलती थी वो मेरे को दे दिया करते थे, इस वजह से यार मेरे को बहुत आसानी हुई। और ऊपर से भाई उनका उन्होंने एक भी बॉट नहीं मारा, सारे किल्स मेरे को करने दिए, इस वजह से भाई मेरे को टाइटल लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हुई। और अगर आपकी भी कोई ऐसी स्क्वाड है और जो कि आपको टाइटल दिला सकती है, मतलब भाई देखो रैंडम प्लेयर्स का भी भरोसा मत करना, क्योंकि भाई मेरे को नहीं लगता यार वो लोग आपको टाइटल दिला पाएंगे। और भाई अगर आपको भरोसा करना है ना, तो यार अपनी स्क्वाड पे करो जो कि आपकी खुद की है, दोस्त लोगों से। अगर आपके पास खुद की स्क्वाड नहीं है तो आप डुओ में भी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब मैं आपको नहीं कहने वाला, आप खुद ही कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो। तो मैं मिलता हूँ ऐसे अगली वीडियो में। और भाई टाइटल लेने के लिए और भी चीज़ें आपको चाहिए रहेंगी, जैसे कि भाई स्किल्स, क्योंकि भाई
बॉट पे अत्याचार तो कर ही लोगे, अगर बाई चांस तुम्हें एंड में तगड़े वाले बंदे से फाइट लेनी पड़े और तुम्हारे हाथ में हो SMG गन, तो भाई तुम्हारी तो वो चटनी बना ही देगा। साथ ही साथ भाई अच्छे खासे यार जो टाइटल के लिए इतनी मेहनत करी है वो भी वेस्ट चली जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतने ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय। That's it, friend.